एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं नानी के घर पे आई हुई थी। तो आपने लास्ट व्लॉग में एक मंदिर देखा था, आज हम दूसरे मंदिर देख जा रहे हैं। एंड इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे हल्द्वानी के लिए। सो यात्रा हमारी अब समाप्त होने वाली है। आज हम हल्द्वानी रहेंगे, कल हम हल्द्वानी से निकल जाएंगे। तो अभी तो मंदिर जा रहे हैं हम लोग, तो चलिए मंदिर चलते हैं। सो सभी लोग आगे जा चुके हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। एंड एक आखिरी बार इन सभी चीज़ों को मैं कैप्चर कर लेती हूँ, फिर पता नहीं कब यहाँ पे वापस आना हो। और अभी हम लोग जिस मंदिर में जा रहे हैं वो गोलजू जी का मंदिर है। नानी के यहाँ पे गोलजू जी की पूजा होती है। अब हम मंदिर में पहुँच गए हैं। मम्मी और पापा अंदर मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तो पूजा वगैरह हमारी हो गई है एंड हम लोग अब आ गए हैं। एंड रास्ते में मुझे काफल का पेड़ मिल गया। मैं जब से उत्तराखंड गई हूँ मुझे तब से ये था कि मुझे काफल खाना है, काफल खाना है। पहले जब मैं गांव जाती थी गर्मियों में, जब दादी और नानी थी तो वो मेरे लिए लेके आ जाती थी, बट अभी वो लोग नहीं हैं। एंड हम जिस टाइम पर गए थे ना, उस टाइम पर काफल कच्चे थे, मतलब 10-15 दिन में वो पकने वाले थे। तो मुझे हर जगह वो कच्चे ही मिले थे, बट नानी के घर के पास में काफ़ी सारे पेड़ हैं, उनमें से कुछ पेड़ों पर ये पके हुए हैं, तो हम सब वही तोड़ रहे हैं। कच्चे दी बना लगी थी यार। सूख जाते हैं ये। रास्ता आप देख ही सकते हैं कितना खतरनाक है। बारिशों के टाइम पे तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि पानी वगैरह भर जाता है, क्योंकि मिट्टी है तो चलना इसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं डेली पूज रही हूँ, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले व्लॉग्स में बताया है। नानी के घर से अब हम लोग निकल चुके हैं एंड अब हम लोग जा रहे हैं डोला आश्रम में। ये नानी के घर से काफ़ी पास में है। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र, जिसे मैं भी पहली बार देख रही हूँ, आप देख रहे होंगे दूर से कुछ इस तरीके का दिखता है। अंदर यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैंने बाहर ही बस थोड़ा बहुत शूट किया था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सुंदर सुंदर पिक्चर्स यहाँ पे बनाई हुई है।
अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत काम चल रहा था, इसे और भी अच्छा बना रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे थे, ये जयपुर में एक जगह है शिवाड़, उसकी तरह से बना रहे हैं। वो काफ़ी सुंदर जगह है। सो ये है डोला आश्रम, इसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो अब हम आ गए हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी में एक मंदिर है कालूशाही का। यहाँ पे जब कोई मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत जब पूरी हो जाती है, तो यहाँ पे गुड़ की भेली चढ़ाई जाती है। अब हम पहुंचे गए हैं हल्द्वानी बाज़ार में। एंड यहाँ पे 8 बजे सारी दुकानें बंद होने लग गई थी। मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे ख़रीदनी थी, पर शॉप्स यहाँ पे बंद होने लग गई थी। पहले जब भी मैं यहाँ पे आती थी तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीद के लेके जाती थी। इस बार भी मुझे ख़रीदना था, बट मैं कुछ भी नहीं ख़रीद पाई इस बार। सो गाइस, आज मैं आई हुई अपनी मौसी के घर पे। इससे पहले मैं गई थी मामी के घर पे। यहाँ पे मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम मैं फैमिली के साथ भी रहना चाहती हूँ। एंड मौसी मेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी, क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी मौसी के साथ रहना चाहती हूँ। एंड आज हम लोग अपने घर के लिए, यानी जयपुर के लिए भी निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा आज इस ब्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को ये उत्तराखंड की जर्नी कैसी लगी है। आप लोगों के कमेंट ही मुझे नए ब्लॉग्स बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए हॉल वीडियो या ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।